हेलो फ्रेंड, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल टेस्टी फूड में। आज मैं आपको बीट रूट कैरेट पराठा बनाना सिखा रही हूँ। जो भी बच्चे होते हैं हमारे घर में, वो चुकंदर खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप ये बीट रूट पराठा नए फॉर्म में आप उन्हें बनाकर खिला सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीट रूट पराठा बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम आटा लिया है। ये मैंने एक मीडियम साइज़ की बीट रूट चुकंदर ली थी, उसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और अब मैं इसमें मिला लूँगी। अब मैं ये कैरेट लूँगी जिसको अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया है, अब इसी आटे में मैं डाल दूँगी। इसके बाद आपको ग्रीन चिली चाहिए होगी जिसको मैंने काट लिया है। इसमें मैंने 2 चिली ली हैं। फिर आपको नमक लेना है अपने स्वाद अनुसार। मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ली, 1.5 चम्मच नमक लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार नमक यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी, 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इनको अच्छी तरीके से मिला लूँगी। इसमें आपको पानी का बहुत ही कम यूज़ करना है, पहले आपको ये देखना है कि इन्हीं से ही अच्छी तरीके से ये गूंद जाए। इसमें हल्के हाथों से, ये 500 ml का कप है, इसमें धीरे धीरे करके मैं पानी मिलाऊँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप आटे को गूंदेंगे। फ्रेंड्स देखिए, मैंने अब इसका आटा अच्छे से लगा लिया, ना ज़्यादा गीला ना ज़्यादा टाइट। अब हम इसका पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं गैस को ऑन करूँगी ताकि हमारा तवा गर्म हो जाए अच्छे से। मीडियम फ्लेम पे आप गैस को गर्म होने दीजिए। हम सबसे पहले एक गोला तोड़ते हैं, इसके गोला करते हैं अच्छे से। फिर आप इसे आटे में अच्छे से लपेट कर इस तरीके से कर लीजिए और अब इसके पराठा बेलते हैं। हल्के हाथों से आपको पराठे को बेलना है। ये देखिए हमारा पराठा बन गया है। अब इसे हल्के हाथों से हम ऐसे उठा लेंगे और अपने तवे पे डाल देंगे। इसी तरीके से हमने देखिए दूसरा गोला तोड़ा है, इसको इसका पेड़ा बनाएंगे गोल गोल, फिर इसको बेल लेंगे अच्छी तरीके से। अपने पराठे पे
ऑयल लगाएंगे, हल्का हल्का सा ऑयल आप इस पर लगाएंगे। थोड़ा सा गैस को थोड़ा सा मीडियम कर लेंगे। इसका पराठा हमारा बहुत सॉफ्ट बनता है, तो आप इसकी थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। पराठे को बिल्कुल मुलायम तरीके से ही आपको बेलना है और धीमे धीमे ही आपको इसको पलटना है। ये पराठा हमारा सिक रहा है, तब तक एक और हम पेड़ा बना लेते हैं। इसी तरीके से आप इसको करिए। हमारा पराठा देखिए अच्छी तरीके से आप इसको सेक लीजिए, घुमा घुमा के खूब अच्छी तरीके से ये सेक रहा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। इसी तरीके से ही हम अपने सारे पराठों को सेक लेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे अपनी प्लेट में। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सारे पराठे सेक गए हैं और अब ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने पराठों को सर्व कर लिया है। ये मैंने पुदीने की चटनी और सॉस के साथ अपने पराठों को सर्व किया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे रेसिपी को लाइक कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और आपके जो भी एक्सपीरियंस हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं कि और आपको कैसी रेसिपी देखनी है। चलिए, मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।